नमस्कार, मैं हूं प्रिया। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज समूचे भारत में गणतंत्र दिवस अति हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। आज ही का वो दिन था जब 1950 में भारत सरकार अधिनियम को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। भारत को एक स्वतंत्र राज्य बनाने के पहल में भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 में लागू किया गया था। वहीं 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू कर लिया गया था। एक खास बात आपको बता दें, भारत का संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का ही दिन इसीलिए चुना गया था क्योंकि सन 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। हाई कोर्ट ने सुनाया नियोजित शिक्षकों के हक में फैसला। बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी। पटना हाई कोर्ट ने एक बार फिर बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए नियोजित शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया है, जिसके तहत पटना हाई कोर्ट ने सभी नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ देने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने निकाली रिक्तियां। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने गेट 2019 पास कैंडिडेट्स की 110 पदों के लिए असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी की स्थायी नौकरी में भर्ती के लिए भारत के सभी राज्यों से पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो न्यूनतम 60% अंक या समकक्ष CGPA के साथ किसी भी इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स या सिविल इंजीनियरिंग के संबंधित प्रासंगिक विषय में पास होना जरूरी है। इसके साथ ही संबंधित विषयों में गेट 2019 में भी पास होना अनिवार्य है। इच्छुक उम्मीदवार पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट powergridindia.com पर जाकर 7 फरवरी तक आवेदन भर सकते हैं। साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारियां नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। बिहार रत्न अवार्ड समारोह का हुआ समापन। बिहार शिक्षा व सांस्कृतिक विकास परिषद द्वारा स्थानीय कालिदास रंगालय सभागर वार्षिक उत्सव मनाया गया था, जहां पर बिहार रत्न अवार्ड समारोह का सफलतापूर्वक समापन कर दिया गया है। जहां पर समापन से पहले पूरे परिसर में ऐ मेरे वतन के लोगों संदेश आते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता जैसे तमाम गाने सुनने को मिले। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, आयोजित इस समारोह का उद्घाटन कृषि मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। अब बिहार में स्कूलों में पुस्तक दान अभियान की होगी शुरुआत। बिहार के पूर्णिया जिला प्रशासन ने सभी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे छात्रों के बौद्धिक शिक्षा की कमी दूर करने के लिए अनोखी पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत पूर्णिया जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों में पुस्तकालय खोलने की अपील की है और साथ ही इन पुस्तकालयों के माध्यम से लोगों तक पुस्तक पहुंचाने की भी अपील की है, जिसके तहत पूर्णिया जिला प्रशासन ने पुस्तक दान महादान अभियान की शुरुआत की है। जिला प्रशासन का यह मानना है कि उनकी इस नई पहल से सरकारी स्कूल में पढ़ रहे छात्रों की पढ़ाई में कभी भी किताबों की कोई कमी नहीं होगी। कड़ी सुरक्षा के बीच आज मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। आज समूचे भारत में गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाएगा। वहीं हम बिहार में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की बात करें तो इस समारोह के तहत राजधानी पटना के गांधी मैदान में इसका आयोजन किया गया है, जिसके तहत आज कड़ी सुरक्षा के बीच यहां राज्यपाल फागू चौहान के हाथों झंडोत्तोलन करवाया जाएगा। इतना ही नहीं, झंडोत्तोलन के बाद विभिन्न झांकियां सरकार की योजनाओं को भी दर्शाएंगी। खेसारी लाल यादव के पिता को किया गया सम्मानित। जी हां, आपने सही सुना, मगर ये खेसारी लाल यादव के खुद के पिता को नहीं बल्कि फिल्मों में उनके पिता का किरदार निभा रहे अमित शुक्ला को मिला है। बिहार की मिट्टी से निकले अभिनेता अमित शुक्ला ने अपनी मेहनत से न सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री को गौरवान्वित किया है बल्कि समूचे बिहार को सम्मान और अलग पहचान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिलवाई है। आपको बता दें, अमित शुक्ला को उनके हॉलीवुड फिल्म एलेक्सिस स्ट्रिप के लिए 2-2 अवार्ड मिले हैं। इतना ही नहीं, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में 56 देशों में 240 फिल्मों में से अमित शुक्ला की इस फिल्म को बेस्ट पॉलिटिकल फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया है। अब बिजली का फिजूल इस्तेमाल करने से पहले कर ले सोच विचार, महंगा हो सकता है बिल। सभी आम नागरिकों के लिए अहम सूचना। अब जल्द ही बिजली के इस्तेमाल के लिए आम नागरिकों को अपनी जेब से और ज्यादा पैसा देना होगा, क्योंकि बिहार सरकार ने शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में बिजली के फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव जारी किया है, जिसके तहत अब प्रति किलोवाट की दर से चार्ज में बढ़ोतरी की जाएगी। हालांकि अभी विद्युत भवन टू बिल्डिंग स्थित बिहार विद्युत विनियामक आयोग की तरफ से इस पर जन सुनवाई के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। अब आइए जानते हैं बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज हम बात करेंगे जगजीवन राम की। दलितों के मसीहा कहे जाने वाले जगजीवन राम का जन्म बिहार के चंदावा में हुआ था। जगजीवन राम दलितों के नेता के साथ साथ ऑल इंडिया क्लास लीग के संस्थापक सदस्य भी थे। इतना ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में जगजीवन राम सबसे कम उम्र के मंत्री थे। कैबिनेट मंत्री के साथ साथ वह संविधान सभा के सदस्य भी थे, जहां उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान में सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया गया था। 28 जनवरी तक मौसम बदलता रहेगा अपने रंग। इस साल की ठंड ने आम जनजीवन की दिनचर्या को अस्त व्यस्त कर दिया था। हालात तो ऐसे भी थे जब लोग घर से बाहर कदम रखने से पहले 100 बार सोच विचार करके निकलने पर मजबूर हो गए थे। हालांकि अभी भी ठंड से निजात मिलने की कोई उम्मीद नहीं जताई जा रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 28 जनवरी तक ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इतना ही नहीं, 28 जनवरी तक पटना समेत कुछ जिलों में बारिश की भी संभावना जताई गई है।
दलितों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान। पटना के एसके मेमोरियल हॉल में कर्पूरी ठाकुर के हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए कई अहम ऐलान किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि अब बिहार में दलितों की तर्ज पर अति पिछड़ों को भी उद्योग के लिए 5 लाख का कर्ज बिना किसी ब्याज के दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अति पिछड़े समाज में आने वाले उद्यमियों के लिए ट्रेनिंग की भी विशेष व्यवस्था पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2.5 लाख तक आय वाले अति पिछड़ा परिवार से आ रहे छात्रों को भी छात्रवृत्ति देने का ऐलान किया है। चीनी यात्री वेनसोंग की यात्रा के शोध के लिए विदेशी टीम बिहार पहुंची, जहां शोध करने आई विदेशी टीम ने सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी से मिलने विधानसभा के चैंबर में पहुंची, जहां पर बिहार आई टीम ने वेनसोंग की बिहार यात्रा से जुड़ी निशानियों के बारे में विचार विमर्श किया। इतना ही नहीं, विदेश से आई टीम ने विधानसभा अध्यक्ष से वेनसोंग की यात्रा से जुड़े साक्ष्यों पर शोध करने की बात भी कही। बालिका कबड्डी में शानदार प्रदर्शन से पटना बनी विजेता। मुजफ्फरपुर में आयोजित 19वीं बिहार राज्य सब जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में पटना की टीम ने जीत हासिल कर ली है, जहां पर पटना ने बेगूसराय की टीम को 31-29 से पराजित किया। वहीं मैच की बात करें तो पहले हाफ राउंड में पटना की टीम 20-9 से आगे थी, मगर दूसरे हाफ में बेगूसराय की टीम ने मैच में वापसी करते हुए इस मुकाबले को 27-27 पर बराबर कर लिया, मगर धीरे धीरे पटना की टीम ने 31-29 स्कोर के साथ इस मैच में जीत अपने नाम दर्ज कर ली। एसटीईटी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थी इन खास बातों का ध्यान रखें। काफी बदलाव के बाद एसटीईटी 2019 की परीक्षा 28 जनवरी को आयोजित की गई है, जिसके लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी है। वहीं परीक्षा के दौरान किसी भी गड़बड़ियों को अनदेखा करने के लिए शिक्षा विभाग ने परीक्षा से संबंधित कई अहम जानकारियां साझा की है, जिसके तहत अब परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में जूते मोजे के साथ जाने पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, प्रश्न पत्र खुलने के समय में वीडियोग्राफी का प्रावधान भी रखा गया है। आलू की फसल पर मिट्टी चढ़ाने में हो रही थी दिक्कत, बना डाला उपकरण। यह वाक्य है पश्चिम चंपारण जिले का, जहां पर किसान राघव शरण ने यह अद्भुत कारनामा कर दिखाया है। खबरों की माने तो राघव शरण को अपने आलू की खेती पर मिट्टी चढ़ाने में दिक्कत आ रही थी, जिसको देखते हुए किसान शरण ने अपने साइकिल के चक्के से एक ऐसा उपकरण बना दिया, जिसको बनाने में उन्हें मात्र 2000 रुपए का खर्च आया। आमतौर पर जब आलू की खेती होती है तो मिट्टी चढ़ाने के लिए एक एकड़ में फैली खेती में 4 दर्जन मजदूरों की जरूरत होती है, मगर राघव शरण के द्वारा बनाए गए इस नए उपकरण में एक एकड़ में एक ही किसान मिट्टी चढ़ाने के लिए काफी है। बेगूसराय के काबर झील पक्षी अभयारण्य में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। 63.11 वर्ग किलोमीटर में फैले इस झील में आप विभिन्न स्थानीय प्रजातियों के पक्षियों को निहार सकते हैं। 1984 में बिहार सरकार से पक्षी अभयारण्य का दर्जा प्राप्त यह स्थल बिहार का ही नहीं बल्कि देश का सबसे खूबसूरत प्राकृतिक स्थल है। यहां रोजाना दूर दराज से सैलानी मनमोहक वातावरण एवं पक्षी विहार के लिए आते हैं। पुरातत्वीय महत्व का बौद्धकालीन हरसाइन स्तूप भी आपको यहां देखने को मिलेगा। फरवरी में शुरू होगी तेजस्वी यादव की एक और नई यात्रा। इस चुनावी साल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार पर तंज कसने का एक भी मौका नहीं गंवाना चाहते, जिसके तहत खरमास के बाद ही उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी। इसी क्रम में अब तेजस्वी यादव एक बार फिर से बेरोजगारी के मुद्दे पर बेरोजगारी हटाओ यात्रा का आह्वान करेंगे। आपको बता दें, तेजस्वी यादव की यह नई यात्रा फरवरी महीने से शुरू होगी। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने नौजवानों को भी बेरोजगारी हटाने का वादा किया है। 31 जनवरी को गोपालगंज दौरे पर होंगे कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी। सीएए और एनआरसी का विरोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जहां एक ओर केंद्र सरकार ने सीएए को पूरे देश में लागू कर दिया है, वहीं अभी भी विरोधाभास साफ साफ देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में अब सीएए के विरोधी और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी जल्द ही अपनी विरोध सभा को लेकर गोपालगंज दौरे पर जाएंगे, जहां वो लोगों से मिलकर सीएए के विरोध में समर्थन जुटाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। अभी विधानसभा चुनाव आने में काफी समय है, मगर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां शुरू हो गई है। इसी क्रम में सभी राजनीतिक दलों ने लोगों को अपनी पार्टी की तरफ आकर्षित करने के लिए घोषणा पत्र जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसके तहत रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें शिक्षा और रोजगार को प्रमुखता दी गई है। इसी के तहत कुशवाहा ने हाल ही में कतार का भी आयोजन किया था। तेजस्वी यादव ने टिकट बंटवारे को लेकर कही बड़ी बात। इस चुनावी साल में सभी राजनीतिक दल सीट बंटवारे को लेकर उलझन में नजर आ सकते हैं। इसी क्रम में टिकट बंटवारे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सभी नेताओं को संबोधित करते हुए दो टू कहा है कि मेरे आगे पीछे घूमने से पार्टी किसी को टिकट नहीं देगी। मेरे आगे पीछे घूमने से बेहतर है कि आप क्षेत्र में जाकर बूथ को मजबूत कीजिए। इतना ही नहीं, हर बूथ पर जाकर यह भी आकलन करें कि कौन सा बूथ मजबूत है और कौन सा कमजोर। प्रशांत किशोर ने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर कसा तंज। जदयू के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर आए दिन सुशील कुमार मोदी पर तंज कसते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर टिप्पणी की है और कहा है कि लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने में सुशील मोदी जी का कोई जवाब नहीं है। पहले बोलकर सर्टिफिकेट देते थे, अब डिप्टी सीएम बन गए हैं तो लिख कर दे रहे हैं। और मजेदार बात तो यह है कि उप मुख्यमंत्री जी की क्रोनोलॉजी भी बिल्कुल क्लियर है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के तहत राजद ने की स्टार प्रचारकों की सूची जारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के तहत सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी का सिलसिला जारी कर दिया है, जहां इस बार भी बिहार की राजनीतिक पार्टियां भी इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, जिसके लिए बिहार की पार्टियों ने भी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। इसी क्रम में जदयू के बाद अब राजद ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती समेत 30 अन्य नेताओं का नाम शामिल है। रणवीर सिंह एक बार फिर अपने आउटफिट को लेकर हुए ट्रोल। रणवीर सिंह पर्दे पर अपने किरदारों के लिए चर्चा के पात्र तो बनते ही हैं, आए दिन वो अपने फैशन सेंस के लिए भी सुर्खियों में बने रहते हैं। इसी क्रम में एक बार फिर रणवीर सिंह बड़े ही अनोखे अंदाज में नजर आए, जहां उन्होंने पोल्का डॉट शर्ट और लूज पैंट पहना है। कहने को तो ये सभ्यसाची ने डिजाइन किया है, मगर फैंस को उनका यह लुक पसंद नहीं आया, जिसके बाद रणवीर सिंह को फैंस ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। कई फैंस ने तो यह तक कमेंट करके पूछा है कि क्या आपके पास कपड़े खत्म हो गए थे जो आपने दीपिका पादुकोण का यह कपड़ा पहन लिया है। जीत के बावजूद आज भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में हो सकता है बदलाव। T20 में मिले 204 रनों के लक्ष्य को भारत ने एक ओवर रहते 6 विकेट से जीत लिया, लेकिन इस जीत के बावजूद आज के मैच में भारतीय टीम में एक बदलाव देखने को मिल सकता है। पहले मैच में भारतीय टीम की गेंदबाजी काफी खराब और दिशाहीन थी। बुमराह को छोड़कर सभी गेंदबाजों ने 8 से ज्यादा की इकोनॉमी में रन दिए हैं। शमी ने भी लगभग 13.5 की इकोनॉमी से रन दिए हैं। सबसे ज्यादा महंगे शार्दुल ठाकुर है, जिन्होंने 14.66 की इकोनॉमी से रन दिए। इसीलिए उम्मीद है कि टीम में एक बदलाव शार्दुल की जगह नवदीप सैनी की आज की प्लेइंग 11 में वापसी हो सकती है। हालांकि क्योंकि शार्दुल अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, इसीलिए भी हो सकता है कि कप्तान कोहली शार्दुल को टीम में बनाए रखे और उन्हें एक और मौका दे सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में। अक्सर रात में देर से सोने वाले लोगों की आंखों के नीचे बनने वाले काले धब्बे का सामना करना पड़ता है, जिसे आमतौर पर हम डार्क सर्कल कहते हैं, जिससे निजात पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। आज हम कुछ ऐसे घरेलू उपायों के बारे में बताएंगे, जिसके इस्तेमाल से आप आसानी से डार्क सर्कल से छुटकारा पा सकते हैं। डार्क सर्कल्स के लिए टमाटर का रस बेहद ही कारगर साबित होता है, जिसके लिए आपको बस आंखों के नीचे बने धब्बे पर 20 मिनट के लिए रोजाना टमाटर का रस लगाना होगा। इसके अलावा आलू का रस, खीरे का रस भी कारगर साबित होता है। इतना ही नहीं, ठंडे टी बैग के इस्तेमाल से भी आप डार्क सर्कल से निजात पा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल इस प्रकार है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले दूसरे T20 मैच में आज आपके अनुसार कौन सा खिलाड़ी सबसे अहम भूमिका निभाएंगे? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।